नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आम्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के लिए जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा कृषि। ठीक है, तो कृषि है, कृषि को हम प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत हम सम्मिलित हम करते हैं। कृषि को किसमें सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत हम सम्मिलित हम किया जाता है। मतलब वे पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत वो सम्मिलित वो करते हैं। इसमें मुख्य रूप से कृषि है वो कहां से प्राप्त की जाती है? कृषि है वो मुख्य रूप से प्रकृति से प्राप्त वो की जाती है, और यह सबसे प्रचलित या फिर पुराना व्यवसाय वो माना जाता है। प्रचलित या फिर पुराना व्यवसाय किसको माना जाता है? कृषि को। तो अगर कृषि की दृष्टि से देखा जाए, अगर प्राथमिक स्तर की आर्थिक क्रियाओं में कृषि को एक महत्वपूर्ण स्थान को माना जाता है, किसको माना जाता है? महत्वपूर्ण स्थान को माना जाता है। किसको? कृषि को माना जाता है। ठीक है, यह सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय भी माना जाता है। सबसे प्रचलित व्यवसाय किसको माना जाता है? कृषि को। और यह पुराना मतलब पुराने या फिर पुराने जमाने से या मतलब पहले से चला है वो आ रहा है। क्या? कृषि। विश्व के भोज्य, अगर विश्व के भोज्य के मुख्य स्रोत के अंतर्गत देखा जाए तो कृषि वो किसको माना जाता है? कृषि को माना जाता है। और यह लगभग 71% आवश्यकता है वो किसकी होती है? मतलब मानव की 71% आवश्यकता है वो किसकी होती है? कृषि के द्वारा है वो। इसके द्वारा, कृषि के द्वारा। ठीक है, तो अब हम कृषि के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा स्थानांतरण कृषि। सबसे पहले देखते हैं हम स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि किसको कहा जाता है? मतलब वे कृषि या फिर इसको ये बोल सकते हैं हम कि मतलब स्थानांतरण कृषि है वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर ये कृषि है वो की जाती है। मतलब इसके अंतर्गत स्थान को बदल बदल कर वो ये इसके अंतर्गत स्थान को बदल बदल के किया जाता है और उसपे क्या किया जाता है? कृषि कार्य को किया जाता है। ठीक, और स्थानांतरण कृषि को हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे इसी को हम झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं। झूमिंग स्थानांतरण को हम झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं या फिर वालरा कृषि के नाम से भी जानते हैं। वालरा कृषि आदि कई नामों से इसको जाना जाता है, इसको स्थानांतरण कृषि। देखो, स्थानांतरण कृषि है यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है वो माना जाता है। कृषि का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है। किसको? कृषि को है वो क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन रूप है वो माना जाता है। और यह कृषि है वो उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत वो की जाती है। मतलब स्थानांतरण कृषि वो कहां पे की जाती है? उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है। मतलब यहां वनों को साफ करके यानी वनों को साफ कर दिया जाता है और भूमि को साफ किया जाता है। मतलब यहाँ के वनों को जला दिया जाता है और जला के फिर क्या किया जाता है? भूमि को साफ किया जाता है और उस भूमि पर कृषि है वो की जाती है। यह कृषि आदिम जनजाति के लोगों द्वारा की जाती है।
स्थानांतरण कृषि किसके द्वारा की जाती है? आदिम लोगों के द्वारा, आदिम जनजाति या फिर आदिम लोगों के द्वारा है वो की जाती है। ठीक, तो इस कृषि की प्रमुख तो विशेषताएं है, विशेषता लिख देते हैं। इस कृषि की प्रमुख विशेषता है वो क्या है? पहली जो विशेषता रहेगी इसकी वो रहेगी, इसमें बोए गए खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है। इसमें बोए गए खेतों का आकार बहुत छोटा होता है, मतलब खेतों को बो दिया जाता है तरीके से, इसके अंदर जब तो खेतों का आकार हम क्या होता है बहुत ही छोटा है वो माना जाता है। दूसरा इसका अंतर्गत रहेगा कृषि पुराने औजारों के द्वारा की जाती है, मतलब इसमें जो कृषि की जाती है वो पुराने औजारों के द्वारा वो की जाती है, जिसके मतलब कुदाली कुदाली हल आदि के द्वारा वो की जाती है। तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा दो तीन वर्षों में भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, मतलब दो तीन वर्ष बाद में क्या होता है कि भूमि की उर्वरता शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, और फिर बाद में ये क्या करते हैं दूसरे स्थान पर जाके वो खेती वो करने लगते हैं। चौथा रहेगा इस प्रकार की कृषि भारत के पूर्वी राज्यों में झूमिंग के रूप में की जाती है, मतलब किस प्रकार की कृषि है वो भारत के पूर्वी राज्यों के अंतर्गत झूमिंग के रूप में है वो की जाती है। पांचवा पॉइंट है इसका, यह कृषि अमेजन नदी कांगो नदी कांगो बेसिन वह पूर्वी द्वीप समूह में की जाती है। इस प्रकार से इसकी विशेषता है कि मुख्य रूप से पांच भागों के अंतर्गत वो बांटा जाता है। देखो सबसे पहले स्थानांतरण कृषि को हम स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरण कृषि को हम झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको वालवा कृषि के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों है वो किसके नाम है? स्थानांतरण कृषि के नाम है, ये मतलब झूमिंग कृषि और वालवा कृषि ये स्थानांतरण कृषि के नाम है। ठीक है, तो स्थानांतरण कृषि यह कृषि का सबसे प्राचीनतम रूप को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्थानांतरण कृषि को सबसे प्राचीनतम रूप के रूप में वो माना जाता है। फिर बाद में यह कृषि है वो काफी यह कृषि वो उष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत वो की जाती है, मतलब जहां पे वर्षा उष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत वो की जाती है। कौन सी? स्थानांतरण कृषि। ठीक है, फिर यह कृषि वो किसके द्वारा की जाती है? यह कृषि वो आदिम लोगों के द्वारा वो की जाती है या फिर आदिम जनजाति के लोगों के द्वारा यह कृषि वो की जाती है। अब इसकी विशेषता देखी जाए तो इसकी विशेषताओं को मुख्य रूप से पांच भागों के अंतर्गत वो बांटा गया है। पहली जो विशेषता है इसमें बोए गए खेतों का आकार वो बहुत ही छोटा है वो होता है। इसके अंतर्गत मतलब इसके अंतर्गत जो खेत बो दिया जाता है और बोने इसके अंतर्गत खेत बो दिया जाता है और उसका आकार क्या होता है? उसका आकार वो बहुत ही छोटा है वो माना जाता है। ठीक, फिर आगे कृषि मतलब यह कृषि है स्थानांतरण कृषि है वो किसके द्वारा की जाती है? पुराने औजारों के द्वारा वो की जाती है।
पुराने औजारों के द्वारा जैसे कुदाली हुई, हल हुई, या फिर मतलब ऐसे बीजों को छिटक छिटक कर बो दिया जाता था, ये जिसके ये स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत संयोजित वो किया जाता है। तीसरी जो विशेषता है इसकी, मतलब दो तीन वर्षों में भूमि को साफ कर, दो तीन वर्षों के अंतर्गत भूमि को साफ कर दिया जाता है, और साफ करने के बाद वो उसकी उर्वरता शक्ति वो नष्ट हो जाती है, और उर्वरता शक्ति नष्ट होने के बाद ये क्या करते हैं कि दूसरे स्थान पर वो चले जाते हैं, मतलब स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो अपनाने लगते हैं, और स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाने से ये दूसरी जगह पर जाके वही या फिर नए सिरे से कृषि वो करते हैं। ठीक है, मतलब उनको दो तीन वर्षों के अंतर्गत पड़त रूप में या खाली रूप में वो छोड़ दिया जाता है, और खाली रूप में छोड़ने के बाद ये क्या करते हैं कि दूसरे स्थान पर वो कृषि वो नए सिरे से वो करते हैं। ठीक है, फिर बाद में वही वापस ये क्रिया है वो अपनाते हैं। पांचवा इसका रहेगा, पांचवा है इस प्रकार की कृषि वो कहां पे की जाती है, इस प्रकार की कृषि वो मुख्य रूप से भारत के पूर्वी राज्यों में झूमिंग के रूप में की जाती है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं झूमिंग कृषि के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट रहेगा यह कृषि है वो कहां पे की जाती है, अमेजन नदी के तट पर, बेसिन नदी के तट पर, और पूर्वी द्वीप समूह के अंतर्गत वो की जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से स्थानांतरण कृषि और उसकी विशेषता है वो मानी जाती है। नेक्स्ट कृषि के अंतर्गत हम नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।